ये तो एक ट्रेलर है कि इस सरकार में किस प्रकार से आखंड भ्रष्टाचार है। और श्री अवधेश जी ने, माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि चार पांच और मंत्री जो समान विचारधारा के लोग हैं और एक मंत्री से उन्होंने बातचीत भी की है जो दिखाया गया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि और चार पांच मंत्री कौन हैं। तो यह एक प्रकार से सरकार की बोली लगा रहे हैं कि हमारी सरकार भविष्य में बनेगी तो उसके एवज में पैसा लिया जा रहा कि आपको हम काम करेंगे। एक प्रकार से बिहार बेचने का एडवांस जो है इन लोगों ने लेने का काम किया है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी इन बातों को नहीं जानते, ये तो स्टिंग ऑपरेशन किसी ने किया और कोई फंस गया, लेकिन उनका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। हमारा आरोप है कि पुल निर्माण निगम यानी दो विभाग, तीन विभाग, एक जो पथ निर्माण विभाग है, एक आरईओ है, पुल निर्माण निगम है और एक बिहार स्टेट रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक और निगम है, दो निगम है सरकार के। इसमें जो सप्लायर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पिछले एक सवा साल से ये पैसे का खेल चल रहा है। अपराध एक मुद्दा था और हम बार बार जंगल राज की बात करते थे कि लालू यादव के रहते जंगल राज को रोका नहीं जा सकता है, अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और आज राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार जो प्रवना सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या नाम उसका, केदारनाथ सिंह, वो जेल में है। एक उम्मीदवार पर गैर जमानती वारंट निकला और वो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मामला नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देने के आरोप में गैर जमानती वारंट निकला और किसी तरह से उनकी और जमानत हुई है। तो अपराध बिहार का एक बड़ा मुद्दा था और नीतीश जी कहते हैं फेसबुक के जवाब में कि मैं गारंटी लेता हूं कि लालू के रहते मैं अपराध को नियंत्रित करूंगा, और हम लोग कहते हैं कि लालू के रहते अपराध को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार लालू यादव के रहते भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हम ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और कौन और मंत्री इसमें संलिप्त हैं उसका भी खुलासा श्री अवधेश कुशवाहा जी को करना चाहिए, तो जिन्होंने गारंटी लिया है कि लालू जी के साथ हमारा राजनीतिक समझौता, जो शब्द प्रयोग है बीजेपी को रोकने के लिए हमारा एक पॉलिटिकल राजनीतिक समझौता, उसके क्या अर्थ है राजनीतिक समझौते का, कब तक चलेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा, अभी चुनाव तक है या चुनाव के बाद भी चलेगा पता नहीं है,